वक्त खराब होगा तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही लोग आपको कुत्तों की तरह घेर लेंगे। दोस्तों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर ये समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कभी खुद को टूटने मत देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तुम जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो सब करो। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी भी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। अरे, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर PhD करने से तो बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार तो हमारी इसमें है कि हम खुद को खुद नहीं पहचानते। कितना अच्छा होता अगर जिंदगी पर सड़कों की तरह लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के, तो कभी किसी को शायद जीवन में इतनी ठोकरें ना खानी पड़ती। लेकिन जीवन एक यात्रा है, तो इसे कभी जबरदस्ती तय ना करें, बल्कि इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखना जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन से डरो मत, आप कुछ अगर अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी बेहतर कुछ बड़ा पा सकते हो। याद रखो, आप समय में वापस नहीं जा सकते और अपनी शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन जहाँ हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हो और आने वाले अंत को बदल जरूर सकते हो। दोस्तों, वे वजह ही तो नहीं होती, किसी से मुलाकात, किसी से सबक मिल जाता है तो किसी से ज्ञान की बात। तो अगर आप मन की आवाज से जुड़े हैं तो कुछ सीख कर जरूर जाइए। वीडियो तो हर कोई देखकर भूल जाता है, लेकिन अगर इस वीडियो में कही बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इनको किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए और किसी और को भी सही मार्गदर्शन दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।